हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे टॉपिक कोलिजन। तो चलिए शुरू करते हैं। कोलिजन क्या है सबसे पहले वो जानिए। एन इवेंट, कोलिजन को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो देखिए, पहले सब लिखाते हैं फिर समझते हैं। एन इवेंट इन विच टू बॉडीज एग्जर्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स फॉर ए शॉर्ट टाइम। दो बॉडीज ऐसी हो जो बहुत ज्यादा क्या कर रही हो, एक दूसरे पर स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाए बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। ये नहीं कि अब धक्का दिया किसी को तो दिए चले जा रहे हैं, तो वो कोलिजन नहीं है। जैसे कोलिजन का मतलब कोई गाड़ी आई, उसने किसी दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी, तो टक्कर कितने सेकंड के लिए, बहुत मिली सेकंड के लिए टक्कर हुई, वो अपने जगह है, वो अपनी जगह है, और फोर्स बहुत ज़्यादा लगा, ठीक है ना। तो कोलिजन को कैसे डिफाइन करना है कि कोलिजन क्या है, व्हेन टू बॉडीज एग्जर्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स फॉर ए शॉर्ट टाइम, मतलब छोटे समय के लिए एक दूसरे पर बॉडी क्या लगाएं, स्ट्रांग फोर्स लगाएं, ठीक है ना। और उसके बाद फोर्स जैसे ही लगे तो एक बॉडी अपने रास्ते, दूसरी बॉडी अपने रास्ते। अब कोलिजन होते कितने टाइप के हैं, तो सब लोग जानते होंगे कोलिजन दो तरह का होता है। क्या क्या? इलास्टिक, दूसरा इनइलास्टिक। क्या अंतर है दोनों में? तो दोनों में अंतर यह है कि इलास्टिक कोलिजन में देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। यहां पर क्या है, देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या होता है इलास्टिक में, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, यहां पर भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, यहां पर भी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। देखिए यहां मैंने लिखा था देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है आपकी, कंजर्व है। और यहीं पर ये डिफरेंस आता है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नॉट कंजर्व। तो ये बेसिक डिफरेंस है किसके इसके बीच में, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन के बीच में, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसे, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन,
चलिए शुरू करते हैं। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का भी मतलब समझेंगे और ब्रैकेट में लिखा है हेड ऑन कोलिजन, इसका मतलब भी समझेंगे। वन डायमेंशन का मतलब कि जैसे आपने किसी बॉडी को टक्कर मारी तो जिस लाइन में वो जा रही थी उसी लाइन में जाए, मतलब जिस एक्सेस में पहले बॉडी जैसे हॉरिजेंटली मूव कर रही थी, जैसे एक बॉडी ये थी ये ऐसे गई, एक बॉडी ऐसे जा रही थी पहले से, इसने इसको टक्कर मारी तो ये टक्कर के बाद भी ऐसे ही जाए, मतलब ऐसे ना जाए, ऐसे ना जाए, किस में जाए, वन डायमेंशन में। और हेड ऑन कोलिजन का मतलब ये है कि बॉडी टू बॉडी क्या हो रहा है आपका, कोलिजन हो रहा है, मतलब किसी एंगल पे नहीं हो रहा है, ठीक है ना, दोनों, इसीलिए दोनों बातें एक ही हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए एनालिसिस करते हैं इसकी और देखते हैं कि क्या जो डेली लाइफ में आप केसेस देखते हैं उससे ये मैच करता है कि नहीं। सारे केसेस हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप लोग देखते हैं कि अगर कोई ट्रक किसी साइकिल वाले को टक्कर मार दे तो क्या होता है, क्या यहाँ से हम लोग वो देख सकते हैं, कोई साइकिल वाला किसी ट्रक पे टक्कर मार दे तो क्या होता है वो भी देखेंगे। तो सारी चीज़ें जो जो हो सकती हैं सारी चीज़ें देखी जाएंगी वन बाय वन, ठीक है। चलिए देखिए, एक ये आपकी बॉडी थी जिसका मास था m1, ये u1 वेलोसिटी से इधर जा रही है, एक बॉडी है यहाँ m2 जो u2 वेलोसिटी से यहाँ जा रही है। कोलिजन होने के बाद ये जो m1 था ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये जो m2 था ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है। कोलिजन होने के लिए कंडीशन क्या हो सकती है कि जो u1 है वो बड़ा हो किससे, u2 से, तभी तो टक्कर हो पाएगी, ठीक है ना। अब आपको देखिए स्टेप बाय स्टेप काम करना है, कैसे करना है मैं इसको थोड़ा सीधा कर दूं ताकि जगह बच जाए। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग सबसे पहले क्या लगाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है तो दो चीज़ें कंजर्व हैं, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। तो पहला आपने लगाया मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम देखिए क्या हो सकता है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर फाइनल m1 v1 प्लस m2 v2। m1 m1 एक तरफ कर लीजिए, m2 m2 एक तरफ, तो m1 u1 माइनस v1 v2 माइनस u2, बोलिए सही है। इसको आप इक्वेशन वन मान लीजिए, ठीक है। अब क्या लगाना है, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन। क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल देखिए क्या हो जाएगी, हाफ एम वन u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर
बराबर हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। देखिए हाफ 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 ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर से एम वन एक तरफ और एम टू एक तरफ। तो देखिए एम वन यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर बराबर एम टू वी टू स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर इक्वेशन, इसको टू मान लीजिए। ठीक है, दोनों कंजर्वेशन आपने लगा दिए। अब क्या करना है आपको, दो में एक से डिवाइड करना है। दो में एक से डिवाइड करेंगे तो देखिए दो एम वन से एम वन कटेगा, क्या बचेगा यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, डिवाइड में क्या है यू वन माइनस वी वन। उस तरफ देखिए क्या बचेगा, एम टू से एम टू कट जाएगा, वी टू स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर बराबर वी टू माइनस यू टू। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है यू वन प्लस वी वन, यू वन माइनस वी वन, ठीक है, बटे क्या है यू वन माइनस वी वन। इधर भी देखिए वी टू प्लस यू टू, फिर वी टू माइनस यू टू, डिवाइड में वी टू माइनस यू टू। माइनस माइनस वाले टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा आपके पास u1 वन प्लस वी वन बराबर वी टू प्लस यू टू, या इसको मैं ये लिख सकता हूँ u1 वन माइनस यू टू बराबर वी टू माइनस वी वन। बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है ये, इसको आप मानेंगे इक्वेशन थ्री। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा डायग्राम को मैं इधर बना देता हूँ। ये m1 था, u1 वेलोसिटी से जा रहा था, ये m2 था, u2 वेलोसिटी से जा रहा था, यहाँ पर ये m1 था v1 वेलोसिटी से, यहाँ पर ये m2 था v2 वेलोसिटी से। ये लिखा u1 माइनस u2, क्या u1 माइनस u2 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब कि किस रिलेटिव वेलोसिटी से ये बॉडी एक दूसरे को क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है। तो u1 माइनस u2, क्योंकि u1 क्या है, बड़ा है। v2 माइनस v1 को हम कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब किस रिलेटिव वेलोसिटी से ये दूर जा रहे हैं, भाई टक्कर हुई तो v2 आगे जा रहा है, v1 पीछे जा रहा है। तो इसको हम लोगों ने क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। एक क्वांटिटी होती है फिजिकल ई, क्या बोलते हैं इसको, ई होता है आपका कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये बताता है कि टक्कर इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, कैसी है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब E बराबर V2 माइनस V1 U1 माइनस U2। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर दोनों क्या है, बराबर है इलास्टिक कोलिजन में, तो ये कट के क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो आप लोग को लिख भी लीजिए इसको कि E बराबर 1 होता है किसके लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए। E बराबर 1 फॉर इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, अब देखिए किसी भी एक को यहां से या तो v1 की वैल्यू उठा लीजिए या तो v2 की वैल्यू उठा लीजिए, कहां रखना है स्टार्टिंग की इक्वेशन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो v2 की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, यहाँ से मैं v2 की वैल्यू अगर लिखूँ तो u1 माइनस u2 प्लस v1। याद करिए जो पहली इक्वेशन आपने बनाई थी वो क्या बनाई थी, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। चलिए v2 की वैल्यू रखिए, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2, और ये कितना है u1 माइनस u2 प्लस v1। ठीक है, चलिए m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 और प्लस m2 v1। बोलिए क्लियर है बात। चलिए देखिए, v1 का एक टर्म ये है और v1 का एक टर्म ये है। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ m1 प्लस m2 और v1।
देखिए m2 u2 और ये माइनस का m2 u2 तो इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा 2 m2 u2 प्लस। अब देखिए क्या क्या बचा आपके पास, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। क्या क्या बचा, m1 u1 बचा और m2 u2 बचा। क्या क्या बचा, m1 u1 बचा और m2 u2 बचा, m2 m2 u1 बचा। तो देखिए यहाँ से m1 u1 और m2 u1, u1 कॉमन ले सकते हैं, तो u1 को अगर आप कॉमन लेंगे तो m1 माइनस m2 और u1 कॉमन हो जाएगा, देख लीजिए। सही है ना, देखिए ये था m1 u1, ये था m2 u1, इसको इधर लाइए तो m1 माइनस m2 u1 कॉमन ले लिया, ये m2 u2 है और ये माइनस का m2 u2 इधर आएगा तो 2m2 u2 हो जाएगा, और ये m1 v1 m2 v2, m2 v1 से m1 प्लस m2 हो गया और v1 क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो अगर आपको यहाँ से v1 की वैल्यू निकालनी है तो लिखिए, देखिए क्या होगा, m1 माइनस m2 u1 m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये क्या हो गया आपका v1। मतलब टक्कर होने के बाद जो पहली वाली बॉडी थी वो कैसे जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह अगर आपको v2 निकालना है तो v2 निकालने के लिए अब आपको दोबारा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सिमेट्री का यूज करके लिख सकते हैं। देखिए m1 माइनस m2 था तो m2 माइनस m1 u1 था तो u2, और m1 प्लस m2 लिखें चाहे m2 प्लस m1 लिखें, बात एक ही है, तो इसको m1 प्लस m2 छोड़ दिया, प्लस 2 m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका v2। नोट करें, अब इसके बाद कुछ हम इसके स्पेशल केसेस देखेंगे।
चलिए देखिए, ये है आपका V1 और ये है आपका V2। अब देखिए, इफ पहला एजम्पशन क्या मान रहे हैं, M1 और M2 क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अगर M1 और M2 बराबर हो जाए तो देखिए क्या होगा, V1 के साथ देखिए क्या होगा, M1 और M2 बराबर, तो ये टर्म जीरो, M1 माइनस M2 जीरो, तो यहाँ का ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, बचेगा क्या ये, तो 2M2U2। तो इसको देखिए, मैं M1 M2 को क्या मान ले रहा हूँ, M मान ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 2MU2 और M प्लस M, तो 2MU2 बराबर 2M, 2M से 2M कैंसिल, तो V1 बराबर किसके आ जाएगा, U2 के। इसी तरह देखिए V2 के साथ क्या होगा, ये टर्म जीरो, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं वही चीज़ होगी और यहाँ पर क्या जाएगा, U1 आ जाएगा। इसको बोलते हैं वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाना। अगर दोनों बॉडीज़ के मास क्या है, सेम है, तो वेलोसिटी क्या होगी, एक्सचेंज, मतलब जो U1 थी वो किसको मिलेगी, V2 को, और जो U2 थी वो किसको मिलेगी, V1 को। देख सकते हैं आप, U2 वाला किसके पास गया, V1 के पास, और U1 वाला किसके पास गया, V2 के पास। तो आपको न्यूमेरिकल करते वक्त हमेशा ये याद रखना है कि अगर दोनों बॉडी के मास क्या है, सेम है, तो वेलोसिटी क्या कर देनी है, एक्सचेंज कर देनी है, पहले वाले की दूसरे को, दूसरे वाले की पहले को। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, दैट इज वेलोसिटी इज एक्सचेंज्ड आफ्टर कोलिजन। जो वेलोसिटी क्या हो चुकी है, एक्सचेंज हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, चलिए अब पहला जंक्शन और देखते हैं। कह रहे हैं इफ M2 इज मच मच ग्रेटर देन M1 एंड M2 इज एट रेस्ट। इसको फील करिए कि M2 बहुत बड़ा है M1 से और रेस्ट पर है। माने कि कोई ट्रक खड़ा हुआ है और आप साइकिल से जा रहे हैं, आप क्या हैं, M1 है, आप किससे जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, ठीक है। M2 रेस्ट पर है, मतलब U2 क्या है, जीरो है, ठीक है। तो चलिए V1 देखते हैं, U2 जीरो है, तो U2 जीरो है, तो ये टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है ना। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। इधर देखिए M2 बहुत बड़ा है, जब M2 बहुत बड़ा है तो यानी कि M1 को हम क्या मान सकते हैं, जीरो। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस M2 और यहाँ M2 और यहाँ U1, M2 से M2 कट गया, तो V1 बराबर क्या आया, माइनस U1। अब सोचिए V1 क्या आ रहा है, माइनस का U1, मतलब V1 किसकी थी, M1 की, वो कितना आ रहा है, माइनस का U1, मतलब जिस वेलोसिटी से वो जा रहा था उसी वेलोसिटी से वापस आने लगा। और सोचिए आप जरा, होता क्या है कि जब आप साइकिल लेके जाते हैं और किसी खड़े ट्रक पे टक्कर अगर आपकी होती है तो आपकी साइकिल बाउंस बैक होती है, उतनी नहीं हो पाती कि आप उसी वेलोसिटी से पीछे जाने लगे, लेकिन बाउंस बैक होता है, आपने देखा होगा, क्योंकि ये कुछ यहाँ पर हमने जंक्शन माने इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, ट्रक के, ये तो आपके साथ हुआ V1 के साथ, ट्रक के साथ क्या होगा, इसके लिए क्या देख लें, V2 देख लें। तो U2 आपने क्या माना है, जीरो माना है, तो ये वाला पहला वाला टर्म देखिए क्या हो गया, जीरो। यहाँ देख लीजिए क्या बचा, तो देखिए M1 क्या है, जीरो है, तो V2 भी क्या हो जाएगा, जीरो। M1 को आपने क्या माना, बहुत छोटा, माने कि जीरो, तो देखिए V2 बराबर जीरो,
तो ट्रक कहाँ रेस्ट पे खड़ा था और अभी भी किस पे है, रेस्ट पे है। ये चीज आप लोग ऑब्जर्व भी करते हैं कि आप ट्रक को टक्कर मारेंगे तो ट्रक नहीं भागने लगेगा, ट्रक वहीं जहां था वहीं रहेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा जंक्शन क्या देखेंगे कि आप साइकिल में हैं और ट्रक ने टक्कर मारी, तब क्या होगा वो भी देखते हैं। चलिए अब दूसरा एजम्पशन देखते हैं। मिनट बाद कितना समय है अभी? अब चलिए मान लीजिए कि M1 जो है वो बहुत बड़ा है किससे, M2 से। M1 इस बार क्या है, ट्रक है, और M2 अभी भी किस पे है, रेस्ट पे, मतलब आप जो है खड़े हुए हैं या तो साइकिल में खड़े हुए हैं। तो देखिए इस बार क्या होने वाला है, M1 बहुत बड़ा है किससे, M2 से। तो यहाँ पर आप B1 जब निकालेंगे तो किसको जीरो मानेंगे इस बार, M2 को। तो M1 से M1 कटेगा, क्या जाएगा, U1। और जब आप क्या निकालने जाएंगे, जब आप V2 निकालने जाएंगे, तो देखिए जब आप V2 निकालने जाएंगे किसको जीरो मानना है, U2 देखिए आपका जीरो है तो ये टर्फ जीरो हो गया। M2 को जीरो मानने वाले हैं तो 2M1 बटे M1 होगा, तो M1 से M1 कट जाएगा और क्या जाएगा, 2U1। अब इसको एनालाइज करिए कि जब ट्रक ने आपको टक्कर मारी तो आपकी स्पीड क्या थी, V2। जब ट्रक ने आपको टक्कर मारी तो आप दो गुनी स्पीड से कहाँ गए, आगे गए, और ट्रक की स्पीड क्या है, जैसी की जैसी ही है, V1 बराबर क्या, U1। तो ट्रक ने जब आपको टक्कर मारी तो ट्रक अपनी ही स्पीड से चला जा रहा है, लेकिन आपकी स्पीड उसने क्या कर दी, सीधे दो गुनी कर दी, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फोन मिलाया उसे इसरार को,
क्यों तो ये वाले पैसे लेके उसको दोगे कि ये खुद रख लोगे? मतलब आधे में आधे दोगे? वो पंकज नहीं दे रहा का अभी? एक मई को फोन करोगेगा? दो हजार बस है टोटल? नहीं यार, 1,000 तो अजय वाली कुर्सियों का बचा था बस। तो मतलब जो भी मिलना है वो सब तुम्हारा है यार। मतलब जो वो आधे मांग रहा था एक तरीके से तुमने उसे दे दिए, तो अब उसे कह दे रहे हो? अब उसे थोड़ा दिन इंतजार कराओ जब पंकज दे। अभी एक तरीक को ये बाकी भी देगा ना? नहीं, ये भी तो देगा बाकी। इससे आज फोन करके अभी इससे पहले आधे तो ले लो। चलिए मिरेकल्स की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये है आपकी एक बॉडी जिसका मास है 2 kg, ये आगे जा रही है 5 m/s से। यहाँ पर एक दूसरी बॉडी है जिसका मास है 3 kg, ये आगे जा रही है 2 m/s से। कोलिजन के बाद की पोजीशन आपको दी हुई है 2 kg वाला V1 से जा रहा है और 3 kg वाला V2 से जा रहा है। आपसे पूछ रहा है फाइंड V1 एंड V2 आफ्टर कोलिजन। तो पहला काम तो आपको ये देखना है कोलिजन होगा कि नहीं होगा। तो ये भाई 5 है, ये 2 है, यानी कि ये तेज जा रहा है तो आगे चल के कहीं ना कहीं इसको टक्कर ये मारेगा। काम आपके पास 2 है। पहला काम आपको लगाना है वही वाली इक्वेशन जिसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी। उसके बाद आप लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए कैसे आएगा। क्या था? U1 - U2 बराबर V2 - V1। तो U1 कितना है? 5, V2 कितना है? 2
वी टू माइनस वी वन, तो वी टू माइनस वी वन बराबर आ गया 3, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। अब लगाइए मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, m1 v1 प्लस m2 u2, m2 m1 u1, तो देखिए 2 गुणे 5 प्लस m2 u2 3 गुणे 2 बराबर 2v1 प्लस 3v2, देखिए कितना हो गया ये 10 और 6 16, कितना हो गया 2v1 प्लस 3v2, ठीक है ना। अब देखिए देखिए क्या हो सकता है इसमें, ये दोनों इक्वेशन है आपके पास, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, दो इक्वेशन दो वेरिएबल v1 v2, v1 v2 दोनों को सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे इक्वेशन 1 में 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो v1 v1 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे कोफिशियंट, और क्या कर देंगे इसको एक माइनस का एक प्लस का ऐड कर देंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करिए और फिर माइनस कर दीजिए इक्वेशन 2 से, तो इसमें 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2v2 माइनस 2v1 बराबर 6, और इधर क्या लिखा है देखिए 2v1 प्लस 3v2 बराबर 16, माइनस नहीं करना प्लस करना है, ठीक है, इसको प्लस कर दीजिए। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 5v2 बराबर कितना आ गया, ये 22 आ गया, तो ये v2 कितना आ जाएगा आपका 22/5 मीटर पर सेकेंड। इस v2 की वैल्यू उठाकर कहाँ रख दीजिए इक्वेशन 1 में, तो v1 देखिए कितना था आपका v2 माइनस 3, v2 कितना आया है 22/5 माइनस 3, 5 LCM हो गया 22, 15, 7/5 मीटर पर सेकेंड, ये क्या आ गया आपका v1 आ गया, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। Thank you.
चलिए नोट हो गया होगा आपका। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। मान लीजिए ये 3 kg, ये जा रहा है 5 m/s से, और इसका मास भी कितना है 3 kg, और ये जा रहा है 4 m/s से। इन दोनों की टक्कर हुई, ये है आपका 3 kg V1 से जा रहा है और ये वाला 3 kg V2 से जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड V1 एंड V2 आफ्टर कोलिजन। अभी देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों बॉडी के मास क्या हैं सेम हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी कोलिजन के बाद, एक्सचेंज हो जाएगी। तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा। क्या जाएगा कि जो आपका V1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो V1 है वो किसके बराबर होगा। देखिए V1 की वेलोसिटी किसको मिलेगी, इसको, इसकी वेलोसिटी किसको मिलेगी V1 को। तो V1 कितना हो जाएगा 4 m/s, और V2 कितना हो जाएगा आपका 5 m/s। तभी तो देखिए V2 माइनस V1 लिखते हैं हम लोग। V2 कहाँ जाएगा, ज़्यादा तेज से जाएगा। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, जब बॉडी के मास क्या है सेम है, अगर आप फॉर्मूला लगा के करेंगे तब भी वही आएगा, अगर आप उस कॉन्सेप्ट से करेंगे तब भी यही आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट कर देना है, यहाँ पर आपको और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। वैक्सीन करने के 3-4 दिन बाद इम्यून बॉडी बनना शुरू होती है। तो मान लीजिए उसी